नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीरों के साथ, जहां पर आपको दिखाते हैं किस तरह से गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा से जुड़े अभ्यास किए जा रहे हैं। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली पुलिस रेलवे सुरक्षा बल ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रोजाना 5 लाख यात्रियों का आवागमन होता है, ऐसे में इस जगह सतर्कता बरतनी बेहद जरूरी है। इस मॉक ड्रिल में आतंकियों द्वारा बम ब्लास्ट की सूचना दी गई, 5 मिनट में स्टेशन को यात्रियों से खाली करवा लिया गया, एम्बुलेंस 15 मिनट में पहुंची, ऐसे ही कई इंतजामों को परखा गया। और कुश्ती संघ के खिलाफ पहलवानों का दंगल जारी है। आज दूसरे दिन पहलवान खेल मंत्री के घर बैठक के लिए पहुंचे। दूसरी ओर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की भी बैठक हुई, जो 1.5 घंटे चली। 7 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। वहीं कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण चरण सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई। बृजभूषण चरण सिंह के बेटे ने जानकारी दी कि 22 जून को कुश्ती संघ की बैठक के बाद बृजभूषण चरण सिंह बयान देंगे। ये भी बताया कि बृजभूषण चरण सिंह ने खेल मंत्रालय को जवाब भेजा है। अब तक इस पर क्या अपडेट है, ताजा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। शुक्रवार का दिन बैठकों के नाम रहा। सुबह जब रात भर 4 घंटे बैठक हुई, बेनतीजा रही, तो सुबह डीजी साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिले इन खिलाड़ियों से। उनसे बोला कि देखिए, हम कमेटी की बात कर रहे हैं, आप कमेटी पर आइए, कमेटी के पटल पर आके अपनी बात रखिए, जिनके खिल जो जिन जिन जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है उनको भी लाइए कमेटी के सामने, वो भी बात रखें, तब कहीं जाकर के जब कोई एविडेंस होगा उनके पास, सबूत होगा, तब कहीं जाकर के इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बृजभूषण शरण सिंह को हटने के लिए कहेगा। इसके बाद खिलाड़ियों ने भी रुख नरम किया। बृजभूषण शरण सिंह को भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन आते जाते ही रिमार्क कर गए कि उनको किसी की दया से नहीं बने हैं, खुद लोगों ने चुनकर उनको बनाया है। तो तमाम बातें बृजभूषण शरण सिंह करते रहे। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि बृजभूषण शरण सिंह को हटाने की ताकत लीगल तौर पर देखें, वैधानिक तौर पर तो मंत्रालय के पास शक्ति नहीं है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, वो भी एक कमेटी, एडहॉक कमेटी बना सकता है, इस्तीफा वो भी नहीं ले सकता है, लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कमेटी बना दी है। मैरी कॉम अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर के घर भी घंटों इन खिलाड़ियों की बैठक चलती रही। अनुराग ठाकुर समझाते रहे इन खिलाड़ियों को कि जो सरकार है, जो मंत्रालय है, वो इनके साथ है, इनकी जो मांगे हैं उनसे सहानुभूतिपूर्वक उन पर चर्चा के लिए, और जो बदलाव चाहते हैं कोचेस को लेकर के जो समस्या है, जो फिजियो को लेकर समस्या है, उन सब समस्याओं का समाधान के लिए तैयार हैं। तो कहा जाए, कोशिश रही है कि जो 3 दिन से डेडलॉक चल रहा था, वो लग रहा है कि कुछ सुलझ सकता है, क्योंकि मैरी कॉम अब उस कमेटी की हेड है। उस कमेटी के सामने विनेश फोगाट कह रही हैं कि जो जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है उनको अभी तक पब्लिक नहीं किया, उनको सामने नहीं लाए, लेकिन उस कमेटी के सामने जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है उनको सामने लाएंगे, कमेटी के सामने बयान देंगे, और कमेटी में जो भी कहना हो कमेटी के सामने कहेंगे। तो फिलहाल लग रहा है कि जो 3 दिन से डेडलॉक चल रहा था वो सुलझ सकता है। अनुराग ठाकुर के सामने एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, एक तरफ रेसलर्स भी अभी तक मुड़ने को तैयार, झुकने को तैयार नहीं थे, इस्तीफे से नीचे कुछ मांग नहीं कर रहे थे बृजभूषण शरण सिंह की। उधर बृजभूषण शरण सिंह भी गोंडा, जो अपना उनका गृह जनपद है, वहाँ चले गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैसेज दे दिया कि खुलासा करेंगे, राजनीतिक साजिश की बात करेंगे, लेकिन उनको भी चुप कराया गया। लेकिन आते जाते बृजभूषण शरण सिंह भी कह गए कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे, लेकिन शाम को उनके बेटे प्रतीक का शरण सिंह ने आकर के बताया कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, जो कहना होगा, जो 22 तारीख को बैठक बुलाई है, एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, उसमें बृजभूषण शरण सिंह अपनी बात करेंगे। तो थोड़ा आप खिलाड़ी भी झुके हैं, बृजभूषण शरण सिंह ने भी अपने तेवर नर्म किए हैं, और जो मंत्रालय है वो भी सोच रहा है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जरिए जो कमेटी बनी है उस कमेटी के जरिए इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाए। अपने सहयोगी प्रेम सिंह के साथ नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बैठक में आज क्या कुछ हुआ, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विमल मोहन। तो आखिरकार एक जद्दोजहद के बाद और लंबा जो प्रोटेस्ट 72 घंटे, लगभग 3 दिन पूरा प्रोटेस्ट चला, उसके बाद आईओए ने एक कमेटी, 7 सदस्य कमेटी बना दी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग थी, 1.5 घंटे ये बैठक चली, और उसके बाद 3 मेल मेंबर हैं इसमें, सहदेव यादव, योगेश्वर दत्त और एक मेल वकील है। इसके अलावा 4 महिलाएं हैं, तो अलकनंदा अशोक है, एक वकील है, मैरी कॉम चेयरमैन है, और डोला बनर्जी है। तो 4 फीमेल और 3 मेल मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है, और जो 1.5 घंटे बहस चली उसमें इन्होंने ज़रूर कहा कि ये संघ को, जो एक खिलाड़ियों की एक मांग थी बीच बीच में आ रही थी कि पूरे संघ को डिसॉल्व किया जाए, वो वैसा नहीं कर सकते, ये उनके पास पावर नहीं है। ये ज़रूर है कि उनमें से अगर किसी
अध्यक्ष के खिलाफ या किसी और कोच के खिलाफ या किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई बात हो रही है उसके खिलाफ अगर साक्ष्य आता है तो यकीनन उसको हटाया जा सकता है। अध्यक्ष के खिलाफ कोई साक्ष्य आता है तो यकीनन उस समय से ही उनको बाहर जाना होगा और ये रिकमेंडेशन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को भी ये आयोग की समिति भेजेगी। और अगर ये साक्ष्य जो है सेक्सुअल एलिगेशंस से रिलेटेड है तो जाहिर तौर पे FIR होगा और पुलिसिया कार्रवाई होगी क्योंकि फिर इनके जुरिस्डिक्शन से भी बाहर बात बाहर जाती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो प्रेसिडेंट हैं उस अब जो कमेटी है सबसे पहले खिलाड़ियों से बात करेगी और इसके बाद प्रेसिडेंट जो संघ के अधिकारी उनसे बातचीत करेगी और इस मसले का हल निकालने की कोशिश करेगी। उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई जल्द हो जाएगी क्योंकि खिलाड़ी काफ़ी लंबे समय तक रहे और पूरे देश का जो इमोशंस है उनके साथ जुड़ा हुआ रहा है और ऐसे में आयोग को हालांकि उन्होंने काम अपना मैं जो मानता हूँ कि उन्होंने थोड़ा देर शुरू किया लेकिन चलो देर आए देर दुरुस्त आए। अब ये ज़रूर है कि जो फैसला हो जो खिलाड़ी अगर प्रताड़ित है जो उनकी शिकायतें हैं वो ठीक से सुनी जाएं ठीक से उनका निदान हो तभी इस कमेटी के मायने होंगे। और अभी ऐसे और भी इस मामले में कई सारे पेच आ सकते हैं लेकिन फिलहाल इस कमेटी का बनना एक सकारात्मक कदम है। दिल्ली से विमल मोहन NDTV इंडिया। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने बयानों से पीछे हटते हुए नहीं दिख रहे हैं। आज उन्होंने इस पर क्या कहा आपको सुनाते हैं। सर ये कह रहे हैं कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो आपसे कराया जाएगा जबरदस्ती तो भूचाल आ जाएगा ऐसा क्या वो मैं खोलने वाली है। अब हो सकता है हम खोल दें तो सुनामी आ जाए मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। रुकने की व्यवस्था हम नहीं करते। रुकने की व्यवस्था आयोजक करता है और एक एक देश की टीम को एक एक जगह रुकाता है। ये हमारी व्यवस्था नहीं है। और जिस खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि दरवाजा खुला था खुला रहता था वो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में नहीं थी। इधर खिलाड़ियों का गुस्सा बरकरार है। उन्होंने कहा है कि उनके प्रदर्शन में किसी भी तरह की राजनीति नहीं है। वो कह रहे हैं कि खिलाड़ियों की ये लड़ाई है हिंदुस्तान के शेर हैं हिलेंगे नहीं। हमने अपनी मांगे जो हमारी मांग है वो सरकार को बोल दी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनको पूरी करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम आराम से उठ के यहाँ से चले जाएंगे। और आप लोगों को बता दूं ना तो इसमें कोई राजनीति है ना हम किसी राजनीता आदमी को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं ना कोई भी आएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वो हमारे ऊपर स्टेज पे ना आए क्योंकि ये लड़ाई हम खिलाड़ियों की है और लड़ाई गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से राज्य गवर्नमेंट से किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से है। जो अन्याय खिलाड़ियों के ऊपर हो रहा है वो हम सहन नहीं करेंगे। हमारे खिलाड़ियों जो आवाज उठाई है हम उसको ऐसे ही उठाते रहेंगे। अगर कुछ गलत होगा तो हम लीगल तरीके से चलेंगे। अभी हम बोल के नहीं अब हम कानून का सहारा लेके चलेंगे। जो अध्यक्ष जी ने बोला है अगर प्रूफ होता है तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा तो उम्मीद करते हैं कि ये भी जल्द होगा। ब्रजभूषण का कहना है विनेश कि अगर वो मुंह खोलेंगे तो सुनामी आ जाएगी और आप लोगों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। और ये भी कहा जा रहा है कि आपने ओलंपिक में स्पॉन्सर कपड़े पहने थे और इस पर आपको डांट पड़ी थी और तमाम और भी बातें ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से गिनाई जा रही है। देखिए मैम वो अपनी बात रख रहे हैं। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतना सब होने के बाद वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। वो मुंह खोलने के सुना नहीं हो जाएगी। हम मुंह खोल रहे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कौन सा मुंह खोलना चाहते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि सुना में क्या कुछ तूफान आ जाए। ये हिंदुस्तान के शेर है हिंदुस्तान के पहलवान है ये लेंगे। और देश का नया संसद लगभग बनकर तैयार है। आज उसकी खास तस्वीरें सामने आई। नई संसद भवन की ये तस्वीरें बेहद खास हैं। संसद भवन में 800 सांसदों के बैठने की जगह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन का शिलान्यास किया था। नई संसद भवन के बनने के साथ ही अंग्रेजों के जमाने की संसद भवन इतिहास में दर्ज हो जाएगी। पुरानी संसद भवन को म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश BJP ने नई संसद की कुछ तस्वीरें साझा की हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी हर मीडिया इन्फ्लुएंसर या वर्चुअल इन्फ्लुएंसर को ये जानकारी देनी होगी कि वो पैसे लेकर प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं या फिर इसमें उनका कोई निजी कारोबारी या वित्तीय हित शामिल है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इससे जुड़े सख्त दिशा निर्देश आज जारी किए हैं। हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया में भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कसने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने शुक्रवार से
देश भर में सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अलग अलग कंपनियों के सामान की वकालत करने वाले नामी गिरामी लोगों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स को अब पारदर्शी तरीके से सोशल मीडिया पर यह बताना होगा कि उन्होंने पैसे लेकर किसी प्रोडक्ट का प्रचार किया है या उसके प्रचार में उसका अपना कोई कारोबारी या वित्तीय हित जुड़ा हुआ है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने NDTV को फैसले के बारे में बताया। ये जो गाइडलाइंस हैं, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ओवरऑल फ्रेमवर्क में जारी की गई हैं। इसका जो सिद्धांत है वो कि अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलत तरीके से कोई व्यापार नहीं कर सकता है। उसी के तहत एक चीज़ आती है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, भ्रामक विज्ञापन। पिछले कुछ समय से कन्वेंशनल मीडिया पे, जैसे न्यूज़ प्रिंट है या टेलीविजन चैनल्स हैं या रेडियो, उस पर ज़्यादा प्रेवलेंट थे, पर जैसे जैसे सोशल मीडिया का प्रेवलेंस बढ़ रहा है तो बहुत सारे लोग, जिनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी कहते हैं, वो पैसे लेकर या किसी अन्य मटेरियल कनेक्शन के माध्यम से उसके इन्फ्लुएंस में वो प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं। तो हमने केवल ये कहा है कि जो ग्राहक है, कंज्यूमर, उसको ये डिस्क्लोजर किया जाना चाहिए कि ये जो सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर कोई प्रोडक्ट एंडोर्स कर रहे हैं, उन्होंने क्या ये पैसे लेकर किया है। जैसे अखबारों में विज्ञापन दिख जाता है कि ये विज्ञापन है, ये समाचार नहीं है, उसी का ये पैरेलल है। सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के तहत अब हर सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर को प्रमुखता से ये बताना होगा कि ये प्रोडक्ट इंडोर्समेंट पेड है। अगर वो किसी उत्पाद का वीडियो जारी कर उसकी वकालत करता है तो पूरे वीडियो में ये बात साफ शब्दों में लिखी होनी चाहिए। यही नियम किसी उत्पाद की तारीफ वाली लाइव स्ट्रीमिंग पर भी लागू होगी। साथ ही प्रोडक्ट इंडोर्समेंट और पेड कंटेंट की जानकारी की भाषा भी एक होनी चाहिए। तो कार्रवाई करने इस तरह का प्रावधान आपने तय किया? सो कार्रवाई के लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, उसमें कंप्लेंट भी कोई कर सकता है, वो सुओ मोटो भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं, गवर्नमेंट भी रेफर कर सकती है। उसके तहत एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, उसके आधार पे कार्रवाई होती है। एंड CCPA कैन इम्पोज पेनल्टीज, CCPA कैन ऑल्सो फॉर रिपीटेड ऑफेंस कैन स्टॉप द सेलिब्रिटीज फ्रॉम एंडोर्सिंग फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑल्सो, 6 महीने से 2 साल तक सेलिब्रिटी को डिस्क्रिप्शन, और 10 से 50 लाख तक का फाइन है, फाइन कर सकते हैं। ये नए दिशा निर्देश शुक्रवार से ही पूरे देश में लागू कर दिए गए हैं। अब कोई भी सोशल मीडिया यूजर उपभोक्ता नियमों का उल्लंघन होने पर इसकी शिकायत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण से कर सकेगा। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के मुताबिक आज सोशल मीडिया पर करीब 1 लाख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सक्रिय हैं और सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट इंडोर्समेंट का बाजार लगातार बड़ा हो रहा है। एक आकलन के मुताबिक अगले 2 साल में देश में सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट इंडोर्समेंट का बाजार 2800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। जाहिर है अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के सामने अगली चुनौती इन नए गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने की होगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन जोसेफ के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। जहरीली हवा की रेस में मुंबई ने दिल्ली को भी पछाड़ दिया है। बीते 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ऐसा पहली बार हो रहा है कि AQI लगातार 6ठे दिन बेहद खराब श्रेणी में है, यानी कि जो वायु गुणवत्ता है वो 300 के ऊपर लगातार 6ठे दिन मुंबई में दर्ज की गई है। और ऐसा देखा गया है इस जनवरी में 20 दिन में कि 10 दिन बेहद खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता नजर आई है। लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर हो रहा है, दिखाते हैं आपको उस रिपोर्ट में। ये मुंबई का जंबोरी मैदान है। 10 से 15 साल के बच्चे क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं। जहरीली हवा में खेलते खेलते इनका स्वास्थ्य बीते 3-4 हफ्तों से बिगड़ा है। कुछ सांस में दिक्कत तो कुछ खांसी की शिकायत करते हैं। सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, खेलते समय प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है पंप लेने बोलते हैं। लोग कभी कभी बॉलिंग डालते तभी होते हैं, बैटिंग में इतना नहीं होता है क्योंकि बैटिंग में खड़ा एक ही जगह में खड़ा रह के बैटिंग करना है, तो बॉलिंग में थोड़ा बहुत होता है। मुझे ऐसे ही दो तीन हफ्ते से आ रहे हैं, ऐसा खांसी आ रही है, हल्की हल्की आती है खेलने में। घर पे मैंने बताया, मैं दवाई लेके आई, दवा ले रहे हो? मेरे को खांसी हो रहा है, और धूप में खेलते ना इसकी वजह से खांसी। फुटबॉल खेलते हैं। बिगड़ती हवा के कारण अस्पतालों में सांस की तकलीफ और लंबी खांसी के शिकार मरीजों की संख्या में करीब 50-60% बढ़त हुई है। मुंबई में लगातार 6ठे दिन हवा गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। शुक्रवार को मुंबई में AQI 319 दर्ज हुई,
पिछले 8 वर्षों में ऐसा पहली बार है जब मुंबई ने जनवरी महीने में लगातार 6 दिन बहुत खराब श्रेणी की वायु गुणवत्ता दर्ज की है। जनवरी में पिछले 20 दिनों में लगातार 10 दिन बहुत खराब श्रेणी की वायु गुणवत्ता दर्ज हुई है। अंधेरी में 327, चेंबूर में 352, बीकेसी में 325, माजगांव में 331, मालाड में 319 और कोलाबा में AQI 323 है। मुंबई और इसके आसपास सबसे ज्यादा बदतर हालत चेंबूर और नवी मुंबई की एयर क्वालिटी की है। नवी मुंबई में AQI 362 दर्ज हुई। इसके प्रमुख कारण जब देखते हैं कि मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स है, इस प्रमुख तौर पर मेट्रो से लेकर बुलेट ट्रेन और बाकी जो रेल स्टेट के जो काम चल रहे हैं, उसके वजह से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो डस्ट है उसका काफी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। उसके साथ इंडस्ट्री का इमिशन है वो भी काफी मात्रा में बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अनकंट्रोल प्राइवेट व्हीकल्स या ट्रांसपोर्टेशन है वो भी काफी मुंबई में बढ़ रहा है। शहर में जगह जगह मेट्रो निर्माण कार्य, सड़कों की मरम्मत, गिरता तापमान, बढ़ती गाड़ियों की संख्या जैसी कई वजह जहरीली हवा की रेस में मुंबई को दिल्ली से भी आगे ले गई है। मुंबई में कैमरामैन प्रवीण जी रोहित, धनेश के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और अब खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु में बाजरा और इससे तैयार प्रोडक्ट्स का मेला लगा हुआ है। बाजरे की कुकीज, यहां तक कि आइसक्रीम भी इस मेले में है। देखिए रिपोर्ट। तीन दिनों के मिलेट्स और ऑर्गेनिक मेले में लोगों का हुजूम। बाजरे से तैयार आइसक्रीम को काफी पसंद किया जा रहा है। बाजरा अब रोटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके बिस्किट, सूप, खिचड़ी, डोसा, इडली मिक्स और यहाँ तक कि रेडी टू ईट पैकेट भी तैयार है। सर, आजकल का जो जनरेशन है थोड़ा बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, स्पेशली कोविड के बाद सबका ध्यान इम्यूनिटी ज़्यादा चाहिए, नो ये सब इम्यूनिटी फूड्स चाहिए बोल के डिमांड बढ़ गया है। और लोगों ने अभी मिलेट्स का पूरा जानकारी गूगल के थ्रू से सबने ज्ञान ले लिया है, ये कितना बढ़िया है उनका। इस मेले में हमें हांगकांग से यहाँ आई वीणा दनसंघाली मिली। हांगकांग में इनका व्यापार है। वीणा को मिलेट्स में काफी संभावना दिख रही है। So I've come here especially from Hong Kong. मैं हांगकांग से विशेष तौर पर इस मेले में आई हूँ। मिलेट्स को किस तरह हांगकांग और चीन के बाजार में मार्केट किया जा सके, ये हमें देखना है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक है। दुनिया का लगभग 42% बाजरा यहीं पैदा होता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सबसे बड़े उत्पादक हैं। कहते हैं कि बाजरा और इससे बने प्रोडक्ट्स खाने से वजन कम होता है। इसमें जिंक, आयरन और कैल्शियम काफी पाए जाते हैं। ऐसे में अब आपको तय करना है कि बाजरा आपके प्लेट का हिस्सा बनेगा या नहीं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। भीषण सर्दी और बर्फ से ढकी सड़कों की वजह से रास्ते बंद है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से लगे गांव में सेना लोगों की मदद में जुटी हुई है। बीमार बुजुर्ग रोगियों को अस्पताल तक पहुंचाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण दिखा। इस दुर्गम इलाके में ग्रामीणों के साथ एकजुटता और मदद में सेना के जवान अहम भूमिका निभा रहे हैं। चिनार कॉर्प्स के जवानों ने आज बारामूला जिले के बोनियार तहसील के जाबरी गाँव की एक बीमार बुजुर्ग महिला को अस्पताल तक पहुँचाया। और सिटी सेंटर शो में जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं हिमाचल प्रदेश की तस्वीरों के साथ, जहां जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। ये मनाली की तस्वीरें हैं। भारी बर्फबारी की वजह से यहां नेशनल हाईवे 2 का रास्ता बंद दिखा। अटल टनल के लिए जाने वाले टूरिस्ट को भी इस रास्ते पर जाने से रोक दिया गया।